हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिक वीक। आई हैव बहराम काजी विद मी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। बहराम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका डेब्यू टेस्ट चल रहा है प्रेस बॉक्स के अंदर, एंड इट्स बीन अ वेरी नाइस टाइम काइंड ऑफ जस्ट यू नो एक्सचेंजिंग थॉट्स विद यू, एंड आप साथ ही बैठते हो मेरे, तो आई एम हैप्पी टू बी डूइंग दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ही टेस्ट पे बात करते हैं, तो सबसे पहले पिच पे आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है, तो आपके क्या थॉट्स हैं इस पिच के बारे में और जो हमने अभी तक दो दिन में देखा है? तो मैंने एक पीस भी लिखा कल यार पिच के मतलब, और जब हमने प्री मैच पिच की तस्वीरें देखी तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टिंज ऑफ ग्रीन नजर आई हमें उसके ऊपर। मैंने तब भी बोला था कि लुक्स कैन बी डिसीविंग, दीस सॉर्ट ऑफ सर्फेसेस टेंड टू फ्लैटन आउट विद द प्रोग्रेशन ऑफ द गेम। और हुआ ये कि शुरू में जब मैच के आपके ओवर्स लूज हो गए, ओवरकास्ट कंडीशंस जब थी, तब वेट आउटफील्ड की वजह से आपका कोई प्ले नहीं हो पाया, तो वो जो प्राइम कंडीशंस थी ना फॉर बॉलिंग और सीम बॉलिंग वो निकल गई और उसके बाद बेक होती रही सरफेस। नाउ यस्टरडे वी डिड सी सम पर्चेस एट द स्टार्ट, बट आज के दिन में तो इट वाज प्रीटी मच अ फ्लैट डेक, बैटिंग ट्रैक ही था। अब ऑब्वियसली तीन दिन और बाकी हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली किस तरह प्ले करेगी, मगर फिलहाल थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं कि हम वापस उस तरफ चले गए। बट आई डू गिव द टीम मैनेजमेंट एंड एवरीवन क्रेडिट फॉर ट्राइंग, कि उन्होंने कोशिश की कि यार हम ऐसा एक डेक बनाए पिंडी में जहाँ पे हमें रिजल्ट मिले। और यू रोल्ड द डाइस कि आपको अगर पहली बैटिंग मिल जाती है और बहुत मुश्किल कंडीशन हो तो आप भी आउट हो सकते हो। तो मुझे वो चीज पसंद आई है सारी चीज के अंदर, एंड आई वॉन्ट पाकिस्तान, एंड आई थिंक देर ऑलरेडी देयर, कि एटलीस्ट वो पहला कदम ले टूवर्ड्स फिगरिंग आउट कि घर पे क्या टेम्पलेट है टेस्ट क्रिकेट का, हाउ डू वी विन गेम्स ऑफ यू नो क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट इन दिस पर्टिकुलर वेन्यू और ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 8 विनलेस टेस्ट मैचेस हैं, ठीक है, लास्ट घर पे। तो इस चीज को ठीक करना है और रिजल्ट शायद फॉरन ना हो, ठीक है, शायद आपको टाइम लगे फिगर आउट करने में कि यार अच्छा अब ये सिचुएशन है, जीतना आप इसको इस तरह करके है, दैट माइट टेक सम टाइम, पिचेस की क्यूरेशन, दैट माइट टेक सम टाइम टू परफेक्ट, बट आई फील लाइक एक पहला कदम ले लिया पाकिस्तान ने उस तरफ, क्योंकि आपको याद ही होगा जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेले पिंडी के अंदर, दिस पिच वॉजंट दैट एंड आई लाइक दैट। बिल्कुल, पिच की पे तो आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने कल के मैच की जो बात की है उस पे, कल के प्ले पे बात करूंगा। हमारे तीन जो जल्दी आउट हुए जिसमें शान का डिसमिसल थोड़ा सा वो था कंट्रोवर्शियल, लेकिन बाबर आजम एक दफा फिर डाउन द लेग साइड बॉल पे आउट हो गया, और आई थिंक इट्स सिक्स टाइम इन लास्ट टू इयर्स। Yeah, you were the one who actually informed me about that. So, thank you. Six times in the last 2 years, we've seen it like, it feels like 16, honestly. Because Babar, leg side pe caught behind, over out, down the leg side, ye bahut ek frequent occurrence ho gayi. Ye aur ek wo jo short mid-wicket ko catch deta ja raha tha. Dekhein, obviously it's a disappointing dismissal. Babar zyada disappointed hoga hum dono se. And tanqeed bhi banti hai. But then again, you know, abhi season shuru hua hai aapka home season. No test matches. And no test matches ke baad, baat karenge Babar Azam. Kyunki dekhe, khelega to wo knock in knock. आप भी प्रॉब्लम, अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप खिला दोगे उसको नॉक एंड आउट, ठीक है, ही इज स्टिल बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे। इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल, बट अगेन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हैप्पी फॉर शौरीफुल इस्लाम, उसकी ड्रीम विकेट थी, ही गॉट बाबर फॉर अ डक, बाबर्स फर्स्ट डक एवर इन होम टेस्ट्स। और ऑल्सो मेरा ये कॉलीग जो है, कॉलीग तो नहीं पियर कह लो, एजाज मुझे बता रहा था कि उसके 8 डक्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। जैरेड किम्बर का ये मानना है कि बाबर माइट बी अ क्लस्टर बैटर, बहुत ज्यादा अरसे में बीच में वो रन पे रन करेगा और फिर जो ड्रॉप ऑफ आएगा ना वो कैटेस्ट्रॉफिक होगा। और फिलहाल जो ड्रॉप ऑफ चल रहा है बाबर आजम का, पिछले साल 6 टेस्ट में 22 की एवरेज सेट, अब डक कर दिया आगे, इट इज अ बिट यू नो कैटेस्ट्रॉफिक के करीब ही है वो, तो देखते हैं। आई हैव अ कीन आई ऑन बाबर आजम, आई वुडंट बी टू कंसर्न विद इट जस्ट येट, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक ऑनलाइन एंड आई डोंट लाइक टू वॉच दैट। एथलीट की इज्जत करना सीखें दुनिया तो बेहतर ही चीज है। बाकी शान वाला, एज यू सेड, इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन, आई डोंट थिंक इट वॉज आउट, बट देन अगेन यू कैन बी स्क्रीमिंग एट द अंपायर आइदर, ठीक है, यू टेक इट ऑन द चिन एंड यू मूव ऑन, होता रहता है इस तरह क्रिकेट के अंदर। और इवन दो टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट यू नो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ही कह सकते हो, और बाकी दोनों तो ड्राइव मारते हुए आउट हुए हैं। सो या आई मीन ठीक है यार, पाकिस्तान स्कोर 447/6, यू टेक दैट। आई जस्ट होप दैट दे हैव और दिस सर्फिस हैज इनफ जूस इन इट, ये 20 विकेट ले सके पाकिस्तान, क्योंकि उनके बगैर तो आप मैच ही नहीं जीत सकते। आपने 20 विकेट्स की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि हम 4 पेसर्स के साथ तो खेल रहे हैं लेकिन स्पेशल स्पिनर नहीं है, तो क्या आपको अब पिच ऐसी लग रही है कि स्पिनर खिलाना ही नहीं चाहिए था? यार मुझे आपस की बात है, लग नहीं रहा जिस तरह पिच ज्यादा टर्न लेगी, अभी तक तो नहीं नजर आई हमें बिल्कुल भी। जहां तक 4 पेसर्स खिलाने वाली बात है, इन द लास्ट 28 ईयर्स दिस इज ओनली द सेकंड टाइम पाकिस्तान हैज फील्डेड अ 4 प्रॉम्प्ट पेस अटैक इन अ होम टेस्ट। इट इज अ गैम्बल इन 3 क्वार्टर्स इफ यू आस्क मी, क्योंकि एक तो ओवर रेट का भी मसला हो जाता है कि आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है अगर आपने इनफ ओवर्स नहीं कराए डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड के अंदर। बट देन अगेन आई फील लाइक इट
दे एटलीस्ट थॉट ऑफ इट एज एन अटैकिंग ऑप्शन. उनको लगता था कि 20 विकेट ही इसी तरह ले पाएंगे यहाँ पे. अब्रार अहमद में शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था या शायद वो पूरी तरीके से मैच फिट नहीं है. ही हैजंट डन टू वेल टुडे. इस्लामाबाद क्लब में जो बांग्लादेश ए वाला मैच चल रहा है अच्छा नहीं खेला अब्रार. सो आई डोंट नो, टीम मैनेजमेंट प्रॉब्ली नोज बेटर देन अस. बट मेरे हिसाब से यार एक आधा स्पिनर होना तो वर्कलोड अच्छा मैनेज हो जाता है, ओवरहेड के मसले नहीं होते. तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है. आई मीन मैंने नंबर्स देखे थे कि पेस बॉलिंग एवरेज पिंडी में अप अंटिल 2021 या एंड ऑफ 2021 ठीक है, इट वाज 29 पॉइंट समथिंग. दैट जंप्ड अप टू 50.6 इन द टू टेस्ट मैचेस वर्सेस इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. और रन्स पर डिसमिसल पिंडी में 93 से 2021 के एंड तक थे कोई 32 पॉइंट समथिंग. दे जंप्ड अप टू लाइक 57.94. सो वी कैन सी कि कितनी बुरी पिंडी की सर्फिस चल रही थी. और ये भी हमें नजर आ रहा है कि जो पेसर थे वो एक जमाने में अच्छे हुआ करते थे. सो मे बी दैट्स व्हाट दे थॉट. और स्पिनर का इतना डिफरेंस था नहीं, एवरेज में फर्क था 93 टू 2021 में, मगर वर्सेस ऑब्वियसली द लास्ट टू टेस्ट मैचेस वर्सेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. बट स्ट्राइक रेट में एज सच फर्क नहीं था, 11 और बॉले ले रहे थे. सो आई थिंक और आई एम अज्यूमिंग मे बी दे लुक्ड एट दैट. गैम्बल है, रिस्की चीज है. आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली फील अबाउट इट. ये तो मैच के एंड में ही आपको बता सकूंगा कि क्या वो चली चीज के नहीं चली. मगर मुझे सोच इतनी कोई बुरी नहीं लगी क्योंकि आई फील लाइक शान एंड जेसन गिलेस्पी आर गोइंग फॉर 20 विकेट्स एंड दैट्स नॉट समथिंग वी हैव सीन टू फ्रीक्वेंटली फ्रॉम पाकिस्तान या पाकिस्तान कैप्टन्स इन द पास्ट. प्ले इट सेफ वाला जो वॉर प्लान है ना उसको लगता है बिन कर दिया गया है. ऑब्वियसली द सर्फेस इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग. और वो साउथ शकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लग रहा था कि आई डोंट इवन थिंक द टीम न्यू हाउ द सर्फेस विल प्ले एंटायरली. दे आस्क्ड फॉर अ ग्रीन टॉप, इतना तो जाहिर था. मगर वो ग्रीन टॉप भी कैसे बन सकता है सही तरीके से रावलपिंडी में, इसमें लर्निंग चाहिए. एंड आई होप टोनी हेमिंग इज मेकिंग हिज नोट्स एंड ही कैन इंप्रूव ऑन दिस. ओवरनाइट आप शायद पिचेस क्यूरेट करना परफेक्शन तक सीख मत सको, मगर यार चलो प्रोसेस के साथ टाइम के साथ चलते चलते आप शायद सीख जाओ. अल्टीमेटली गोल तो यह ना कि कोई टेम्पलेट बने पाकिस्तान का होम टेस्ट का कि किस तरह जीतने हैं, किस तरह खेलने हैं और किस तरह जीतने हैं. फिलहाल तो आप नहीं जीत रहे, फिलहाल 3 साल से नहीं जीते हुए टेस्ट मैच लास्ट या बनाने की जरूरत है टेस्ट. बिल्कुल. और यार लास्ट आप टेस्ट मैचेस जीते हो जब घर पे, दैट वाज साउथ अफ्रीका व्हेन दे विजिटेड अर्ली 2021. इट्स बीन 3+ years एंड मिसबा वाज द हेड कोच. या आई मीन मिसबा वाज द हेड कोच, दैट वाज अ ग्रेट सीरीज, ग्रेट सर्फेसेस. मैं तो उसी क्यूरेटर को हायर कर देता फिर से. बट टोनी हेमिंग इज अ गुड हायर, आई डू फील दैट वे. ही हैज एक्सपीरियंस इन द यूएई एंड व्हाइल्स एशिया में भी डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स होते हैं, आई फील लाइक यू नो गिव हिम सम टाइम और उसको बताओ कि ऑन मास हमने यू नो ये पिचेस इस तरह ठीक करनी कि टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट आए. मुझे बस रिजल्ट चाहिए. आई डोंट वांट अ 5-day लॉन्ग ब्रैप कि मतलब बस अब पता ये ड्रॉ होना है और बस वैसे ही देख रहे हैं हम. एंड टुडे इफ आई एम नॉट लाइंग देयर केम अ पॉइंट इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दैट कि यार ये क्या सीन है, विकेट किस तरह आनी है सरफेस पे. एंड इफ आई एम बीइंग रियल विद यू दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, अ मैसिव वन. वेल आपने मैनेजमेंट पे भी बात कर दी, पिच पे. लास्ट क्वेश्चन करूंगा, दो परफॉर्मर्स आज के हमारे साउथ शकील एंड मोहम्मद रिजवान, रिकॉर्ड पार्टनरशिप 5th विकेट के लिए, 5th हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप फॉरएवर फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट. सो क्विकली बात कर देंगे रिजवान का जो इंटेंट था साउथ की, जो एक कल से उन्होंने एक काम कंपोज्ड इनिंग्स खेली. यार बात तो करूंगा मगर जल्दी से नहीं करूंगा, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए होगा, तुम बहुत ज्यादा चीजें पूछ गए. ठीक है, लेट्स कम टू साउथ शकील फर्स्ट. ही हैज बीन एब्सोल्युटली प्रोलिफिक एवर सिंस ही डेब्यूट फॉर पाकिस्तान. टेक द ऑस्ट्रेलिया सीरीज आउट, आई थिंक बाउंस के साथ कोप नहीं कर पाया वो वहां पे. एंड ही एक्नॉलेज दैट इन द प्रेसर बाय द वे. ही सेड कि शायद उसकी मेहनत में कोई कमी रह गई हो या तैयारी में कोई कमी रह गई हो. बट आई फील लाइक वो उस इल्क का बैटर है कि ही विल क्रैक सेना अल्टीमेटली. वो बाउंसी सर्फेसिस या जहाँ पे लैटरल मूवमेंट होती है, ही फिगर दैट आउट. साउथ अफ्रीका विल बी अ ट्रू टेस्ट फॉर हिम, जहाँ पे बाउंस भी है और लैटरल मूवमेंट भी है. बट अगर आप उसका एशिया में रिकॉर्ड देखो तो इट इज स्प्लेंडेड. मतलब 20 इनिंग्स बाद किसी भी पाकिस्तानी बैटर के टेस्ट क्रिकेट में इतने रन नहीं जितने साउथ शकील के हैं. 20 इनिंग्स में उसके 300 हैं, एक डबल 100 है और ऑल्सो 650s है. एंड आई थिंक इज अ वेरी कॉम्पैक्ट क्रिकेटर, इज अ वेरी टेक्निकली साउंड क्रिकेटर. और मुझे जो साउथ शकील की चीज बड़ी पसंद है ना, एक वो स्वीप भी बड़ी अच्छी मारता है. आई थिंक ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर पेसिंग हिज इनिंग्स, बट आई हैव नो इश्यूज व्हाटसोएवर with the pace of his innings, ठीक है. और हाँ मतलब I feel like left hander मुझे वैसे ही पसंद है, but mainstay होगा ये पाकिस्तान की test cricket में अगले कोई if not 10 तो 8-9 साल तो मैं देख सकता हूँ. I really enjoyed watching him bat और उसकी 141 की जो innings थी मुझे बड़ी पसंद आई. रिजवान was the aggressor today. रिजवान ने थोड़ी अयाशी कराई है तुम्हें. वो दो अपरकट याद है क्या, कोई जबरदस्त किस्म की उसने अनऑर्थोडॉक्स किस्म के अपरकट मारे हैं. एंड देन ही स्कोर्ड दैट 6 as well off his hips.
और बाद में भी इसने अटैक किया, एक आधा और भी शाकिब को छक्का मारा है. The shot that he got his century off of was also an attacking stroke. He scored 171, very very brisk knock, his highest score ever. और रिजवान ने यार बड़े रिकॉर्ड तोड़े. रिजवान मतलब पिछले 24 टेस्ट मैचेस में 49 प्लस एवरेज कर रहे हैं. रिजवान जिसकी 44.67 हो गई है एवरेज आफ्टर दिस नॉक ऑफ 171 नॉट आउट. और इससे ज्यादा एवरेज फॉर अ विकेट कीपर बैटर इन टेस्ट क्रिकेट इज तीन लोग हैं, गिली, एबी एंड व्हाट एंडी फ्लावर. तो ये तीन लोग हैं सिर्फ, दैट इज एलीट कंपनी. सो मेरे हिसाब से रिजवान ही आपका फर्स्ट स्ट्रिंग कीपर है. नॉट थ्रोइंग एनी शेड टू सरफराज और एनीथिंग, आई जस्ट फील ही इज दैट गुड दैट यू कैंट रियली ड्रॉप हिम एवर. और ही प्रूव दैट टुडे. आज जिस तरह उसने बैटिंग की है, उसने मोमेंटम सेट किया आपका. 450 अगर आपके हुए हैं ना, तो वो मोर और लेस रिजवान की वजह से हुए, बिकॉज ही वॉज द वन हु वाज काइंड ऑफ डिक्टेटिंग द पेस ऑफ द प्ले. एंड आई फील लाइक ही यूटिलाइज द कंडीशंस टू द मैक्सिमम. और या शानदार नॉक है यार, दैट पार्टनरशिप दैट यू स्पीकिंग अबाउट 240 रन्स, दैट वाज द डे मोर और लेस. वही था दिन, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो गई बस. सो दिस वॉज बैराम काजी एंड हिज इनसाइट्स फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच इन रावलपिंडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.